अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज मी वर्दा कलंत्री एंड यू आर वाचिंग दी कलंत्रीज। वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड ईद मुबारक। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी जो है वो ईद मनाई होगी आपने। सॉरी फॉर लेट व्लॉग, थोड़ा सा लेट आया है बट क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा सा काम था, जान दें, बहन को सपोर्ट करें। सो ये और मैं और मम्मा यहाँ शॉपिंग करते हैं, हम चीज़ें देख रहे थे, कांच शूज के कौन सा लेना, ये मम्मा ने ले लिया। डाइनिंग टेबल को रोज गलना पड़ती है और अब डाइनिंग टेबल के लिए मैट लिया जा रहा है। आई थिंक ये प्यारा बट इसका कलर जल्दी डल हो जाएगा, क्या किया जाए। ये प्यारा लग रहा है, ये प्यारा लग रहा है तो बस फिर ये ले लो, गो अहेड विद दिस। हाँ बहुत मेला होगा, इसका कलर बहुत जल्दी फेड हो जाएगा मतलब डिज़ाइन इसका। सो वी गो विद दैट, ठीक है। ये दोनों हमने छोड़ दिए। अब यहाँ पर जो हम बिलिंग करवा रहे थे, मतलब निकल रहे थे घर के लिए, क्योंकि ईद के लिए जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थोड़ी सी बहुत चीज़ें चाहिए थी, जो सामान रह गया था वो लिया। और अब हम आ गए हैं पेटीज वाले के पास। पेटीज इज मैंडेटरी, आई लव पेटीज एंड आई लव स्ट्रीट फूड। और यकीन जाने मुझे महंगाई का इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे मेरे जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो महंगे होने का दुख हुआ है, और जितना मुझे पेटीज महंगे होने का दुख हुआ है। ये तो चांद रात थी तो इस वजह से 10 रुपये का था, वरना 15 रुपये का पेटीज हो गया, पता है वो भी इतना छोटा सा। अब यहाँ पे मम्मा जो है ना मम्मा के पास है ना बंदे पैसे थे खुले देने, तो मम्मा ने जो है वो चिल्लर निकाले। नहीं नहीं हम चंदा जमा करके नहीं आए चांद रात का, ये मम्मा की अपनी सेविंग्स है जो चिल्लर के रूप में मेरे पेटीज के लिए निकल रही हैं। वो भी सोचो कि भाई किधर से आए हो। फिर निकले निकले मम्मा के पास 10 रुपये और खुले निकले तो, और मैं अंकल का दिमाग खाते हुए कि अंकल मुझे गर्म पेटीज दीजिएगा और बड़े बड़े दीजिएगा। लेकिन यार पेटीज का जो बुरा सीन हुआ ना पूछे ही मत। एक तो मैंने चलते चलते खा लिया था, मुझे आता था खाने के, फिर हम दूसरा जा रहे थे, मैं मम्मा से बातों में लगी, आगे रश भी था, वहाँ थोड़ी सी जो है ना वो खिटपिट हो गई। अब रश में मैं भूल ही गई कि पेटीज में रात में, घर आ गए सब कुछ खत्म हो गया, सामान सारा रख दिया, सब हो गया, पेटीज हमारे वहीं पड़े रहे, खाए भी नहीं हमने, रह गया रहा कैसे गर्म गर्म थे, मुझे इतने अच्छे लगते हैं गर्म गर्म पेटीज, बस आई लव। और यकीन जानो हम बाज़ार नहीं निकले तो पूरे महीने के बल्कि पूरे दुनिया जहान के जो सीन होने थे ना वो चांद रात पर ही होने थे वो मार्केट में। यार मार्केट की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जाना मैं गिर गई, मतलब थोड़ी सी अनबैलेंस मेरे पैर पर लगे पता है। फिर हम यहाँ पे कुछ बच्चियों के लिए जो है वो ड्रेस देख रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी बनाई शॉर्ट शॉर्ट ताकि बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा और नहीं हो आप लोग बोर ना। यहाँ हम साहिल साहब के लिए जूते देख रहे थे लेकिन साहिल साहब के जूते हमें समझ नहीं आए, पेशावरी हमने ले ली थी लेकिन ये पता नहीं क्यों अभी वैरायटी नहीं है बाज़ार में, मतलब पहले जब मतलब थोड़े टाइम पहले या कुछ साल आप पीछे चले जाए हम देख रहे थे इसकी बहुत वैरायटी होती थी, अब तो वैरायटी ही नहीं है कहीं कुछ। सब आवाज़ें लगा रहा हूँ, थक गए क्या कर रही हो उधर से निकल गाड़ी फटी। फायदा कुछ हुआ मुझे इधर उधर। सो रश से बचते बचाते हम अपनी मंजिल के जाने बढ़े। अब हम यहाँ ले रहे थे डेकोरेशन के लिए प्लो, जो मैं भी आपने व्लॉग में देखा होगा। अब यहाँ क्या हुआ, हमें 2 गद्दियाँ चाहिए थी, 2 गद्दियाँ हमने भरवा ली, सब कुछ करा, लेकिन बिल्कुल स्लाइटली 19-20 का इन गद्दियों में फ़र्क था, यानी एक मेहरूनी स्टोन पर थी और एक पिंक टोन पर थी, इतना बड़ा ये सीन हुआ। और अब वो थी नहीं, हमें जो है वो चाहिए थी डेकोरेशन के लिए, फिर काफ़ी टाइम वहाँ लगा, फिर हमने सोचा यार एक के साथ ही जाते हैं, दूसरा सेम कलर फिर ईद के बाद लेंगे, फिर वो पूरा सेटअप उसका लगाएंगे। अब यहाँ पे मम्मा जो है वो कोन ले रही थी बच्चियों के लिए, मेहंदी लगानी थी, और यार वाकई जितने लड़कियों ने मेहंदी लगा के हाथ ख़राब नहीं होंगे, बेचारे इसका चेक कर करके हाथ इतना ख़राब हो गया था, लेकिन एक कोन का कलर अच्छा था। अब
कोन की जो है ना नेप अक्सर नहीं चलती, तो हम चेक करके ले रहे थे कि भाई लग जाए नहीं लगी, मसला नहीं। वो मेरे ताली मब्बा जा रहे हैं और हमारे से पूछ रहे हैं बाइक पे, अभी तो तुम यहीं पे पहुँचो, ये नहीं बोलते कि दो मैं कोई ठेली उठा लूँ या मैं बाइक पे ले जाऊँ या तुम में से कोई बाइक पे बैठ जाओ, ऐसे मेरे काम करते मेरे ताली मब्बा। वो देखो वो जा रहे जा रहे जा रहे, ये ताली मब्बा मेरे आ जाओ। और इनकी बीवी हंस रही है हमारे ऊपर, आप क्यों हंस रहे हो? हाँ इंसान किसी ऐसे अनजाने आदमी को भी झूठे मरा कर जान पहचान वाला उसको पूछ दे, ये अपनी बेटी को नहीं पूछ रहे। अल्लाह कैसा ज़माना आ गया आजकल भाई, मैं तो बहुत थक गई यार, इससे कन्फर्म हो गया मेरी बाजार निकलने की आदत ख़त्म हो गई। नहीं आप मेरे से सर्वाइव किया जाता गर्मी में, पूरे रमज़ान में मरियल मुर्दों की तरह पड़ी रही हूँ। अल्लाह करी ये देखो लोग जालिम अब्बा हमारे हमारे आ गए, हमारे को पूछा भी नहीं, थैली उठानी है नहीं उठानी, बाइक पर लेके जानी है नहीं लेके जानी। और घर में घुसते हुए रिएक्शन, कहाँ चले गए? सो गए क्या? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, गंद लगा पड़ा है ये सारा धुलेगा अभी और अच्छे से। तो बस मैं इस्तरी कर रही हूँ अब कपड़े और ये बाकी, ये तो नहा धो भी लिया अभी, और मजदूर लेबर डे खत्म हो गया लेकिन हम फिर मजदूरी करेंगे, हम दो फ्री के लेबर हैं। सो ये थी ईद की सुबह, मैं कपड़े इस्तरी करके आपको दो डिफरेंस कलर दिखा रही हूँ कि अब्बा जी ने मेरे धांधली किए, मतलब पापा का जो कपड़ा है ना वो चेंज है ड्रेस का, और मोहम्मद साहल के ड्रेस का कपड़ा चेंज है, लेकिन पापा का दादू का और साहिल का तीनों का सेम। अब ये बेचारी सामने वाली बच्ची आई थी, इसको मैं लाइनर लगा रही थी, फिर हम ये मैं रात का खाना खा रही हूँ, मतलब पूरा ईद का दिन जो है वो सुबह काम में और फिर शाम दोपहर सोने में फिर रात में, मतलब ईद का पूरा दिन आराम आराम में निकला और जो सुबह थी वो काम में। सो यह ईद में ऐसा कुछ खास पहले दिन नहीं किया, बस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आगे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम को फेसबुक को और टिकटॉक को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।